हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECN CZEK सुपर T10 लीग में होने वाले दूसरे मैच की। ग्रुप ए का दूसरा मैच है और बारबेरियंस का भी दूसरा मैच है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, बारबेरियंस की टीम का पूरा हमें रनवे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पहला मैच जो है वो यूनाइटेड CCA खिलाफ़ खेल कर आ रहे होंगे और सारी की सारी फॉर्म, सारे के सारे प्लेयर्स का जो कच्चा छिट्टा होगा वो सारा का सारा हमें खुल के मिल जाएगा। और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे अगर कोई प्लेयर मैंने कप्तान वाइस कप्तान के लिए चुना, अगर वो मैं उससे चेंज करता हूँ तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी जो हम यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात कर लेंगे, पिच रिपोर्ट की बात कर लेंगे, वेदर रिपोर्ट की बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट वेदर रिपोर्ट की बात कर लेंगे और उसके बाद सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सेकंड मैच है ग्रुप ए का, खेला जाएगा बारबेरियंस और बोहेमियन CC मतलब क्रिकेट क्लब के बीच में, और सेम ग्राउंड बाइनर क्रिकेट ग्राउंड पर यह मैच हमें खेला दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 3:30 बजे इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं और फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख पाएंगे। अब अगर प्रीव्यू की मैं बात करूँ, चार ग्रुप्स बनाए हुए हैं, चारों ग्रुप्स में चार चार टीमें हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सैटरडे संडेज़ को ही मैचेस होंगे, सैटरडे संडेज़ को ही एक ग्रुप ख़त्म कर दिया जाएगा। ग्रुप वन जो है कल ख़त्म हो जाएगा, ग्रुप वन के जो फाइनलिस्ट होंगे वो हमें कल मिल जाएंगे। ग्रुप टू के ऐसे मिल जाएंगे, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, ये चारों के चारों ग्रुप के जो फाइनल जो मतलब जीतेगा वो फिर जाके भिड़ेंगे आखिरी हफ्ते में। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो आखिरी हफ्ते में फिर उसमें से जो विनर होगा वो जो है ये ट्रॉफी जीतेगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें प्रीव्यू की, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बारबेरियन जो है पहला मैच अभी अपना खेलेंगे 1:30 बजे के करीब, अपना इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 1:30 बजे के करीब। और यहाँ पर बारबेरियंस की टीम का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर बारबेरियंस की टीम कितनी बढ़िया है वो अगर मैं आपको बताऊँ, तो 2018 का T20 जो इनका सीरीज़ हुई थी उसमें थर्ड पर थे ये टीम, तो बहुत ही बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस रही है। और अगर यहाँ पर मैं बोहेमियन क्लब CC की बात करूँ, तो यहाँ पर जो इनके कप्तान हैं वो ऑलराउंडर हैं जावेद इकबाल। वेदर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो स्कैटर्ड मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर रेन होगी, और इसकी वजह से थोड़े से जो हैं हमें ओवर भी कम देखने को मिल सकते हैं। पर अगर यहाँ पर नहीं दिखे ओवर कम तो अगले मैच में तो ज़रूरी दिखेंगे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक का जो फोरकास्ट है वो ऐसा सही है कि मतलब धीरे 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 ओवरकास्ट कंडीशन हो रही हैं। स्टार्टिंग वाले मैच में मैंने आपको बताया कि थोड़े बहुत चांसेस हैं रेन के, यहाँ पर उससे ज़्यादा चांसेस हैं रेन के, और उसके बाद के जो मैच में होगा उससे और भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे रेन के। अब अगर पिच रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, T20I मैचेस जितने भी अभी तक विटनेस किए गए हैं वो 150 जो है 150 प्लस का टोटल यहाँ पर अभी तक हमें दिखाई दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आराम से 10 ओवरों में 80 से 90 रन जो है टीम बनाती हुई दिखेगी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहेगी। चेस करना थोड़ा सा कम चांसेस हैं चेस करने के, अगर 80 से 90 रन बना दिए किसी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए तो चेस वो दूसरी टीम चेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। पर वो ये जोन से भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यही चाहेगी कि पहले बैटिंग करें। टीम न्यूज़ की अगर हम बात करें, पूरी की पूरी प्लेइंग 11 की बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, वाई सेलियन हमारे पास अवेलेबल हैं, सुमित हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पर अपनी टीम के लिए ओपन करेंगे। साहिल ग्रोवर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ तो नंबर दूसरे पर आएंगे या नंबर तीसरे पर आएंगे। अमृतपाल राय हैं, हर्षा हैं जो हमारा मिडिल ऑर्डर संभालने वाले हैं, फिर उसके बाद वाई सेलियन, अमृतपाल राय और उसके बाद जो है 40 थाम्बी हैं, तीनों के तीनों प्लेयर्स पिन अटैक बहुत ही बढ़िया संभालने वाले हैं। और अगर सुमित और यहाँ पर हर्षा की बात करूँ और बिलाल समात की बात करूँ तो पेस अटैक ये अपनी टीम का बारबेरियन का संभालने वाले हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दूसरी टीम की, बोहेमियन CC की, तो यहाँ पर मोहम्मद जुबैर और उसके बाद जो है यहाँ पर शकीब मुख्तार जो है अपनी टीम के लिए ओपन करेंगे। अब अगर यहाँ पर मिडल ऑर्डर की मैं बात करूँ तो जाहिद महमूद हैं, प्रताप जगपात हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अगर जावेद इकबाल हमारे पास मिडल ऑर्डर संभालने वाले हैं। बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो जावेद इकबाल
इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक तो मिडल ऑर्डर में आएंगे और उसके बॉलिंग अटैक भी संभाल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो शकीब का ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, यहाँ पर आप देखिए अपनी टीम के लिए ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर बॉलिंग अटैक में भी हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आरिफ जावेद जो है, ये चारों के चारों जो है अपनी टीम के लिए की बॉलर रहने वाले हैं। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ दोनों टीम की, तो साहिल ग्रोवर हमारे पास हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वाई सेलियन हैं, अमृतपाल राय हैं, फिर उसके बाद सुमित हैं, फिर उसके बाद जो है चार्ल्स थाम्बी हैं, पीयूष कुमार हमारे पास हैं, वी कृष्णन हमारे पास हैं, हर्षा हमारे पास रहेंगे, प्रेम राहुल और उसके बाद जो है नारायण अंशुथन हमारे पास रहेंगे। बोहेमियन सीसी की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो मोहम्मद जुबैर हैं, शकीब हमारे पास हैं, फिर उसके बाद जो है प्रताप आर जगताप हमारे पास हैं, जावेद इकबाल हैं, रविंदर सिंह हैं, फिर उसके बाद अबुल हैं, फिर उसके बाद जो है अली हमारे पास रहेंगे, वहीद उल रहमान हमारे पास हैं, वसीम रहेंगे, आरिफ रहेंगे और सौरव काकरिया हमारे पास रहेंगे। अब अगर इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर वाई सेलियन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। पहली भी जो टीम मैंने एनालिसिस करी थी जो यूनाइटेड सीसी के ख़िलाफ़ जो मैच होने वाला है इनका, उसमें मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। 77 मैच, 80 विकेट ऑन एन एवरेज, एक विकेट हर मैच में, 1261 रन बनाए हैं। फिर उसके बाद समित पोखरियाल दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए, 54 मैचेस, 57 विकेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर एक मैच में ऑन एन एवरेज एक विकेट इन्हें चटकाई और 1200 रन यहाँ पर बनाए हैं। साहिल ग्रोवर इम्पॉर्टेंट विकेट कीपिंग ऑप्शन हमारे पास हैं। विकेट कीपिंग में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ए राय भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर पिक कर सकते हैं। ऑन यहाँ पर ए राय की अगर मैं बात करूँ तो विकेट कीपिंग ऑप्शन भी रहेंगे अपनी टीम के लिए, पर यहाँ पर बॉलिंग भी करवाते हैं। तो अगर साहिल ग्रोवर यहाँ पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो अमृतपाल राय जो है यहाँ पर बॉलिंग करते हुए हमें दिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 24 मैचेस में 604 रन इन्हें बनाए हैं अमृतपाल राय, 23 मैचेस में 350 रन के साथ 12 विकेट इन्हें चटकाई हैं। हर्षा की सेलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, जो ड्रीम इलेवन में प्लेयर्स ने सेलेक्ट करा है उस हिसाब से जो स्टैट्स हैं वो तो बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं मैच, क्योंकि अगर इतने बढ़िया स्टैट्स ऑलराउंडिंग ऑप्शन हमें दे रहा है तो उसके जो प्लेयर्स को जो उसे चूज़ करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ग्रैंड लीग में एटलीस्ट तो आप इसे चूज़ करिएगा ही हर्षा को, और सारी की सारी जो है क्लैरिटी हमें मिल जाएगी जब पहला मैच होगा। 48 मैचेस, 450 रन और उसके बाद 46 विकेट भी चटकाई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बिलाल संबाद अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो बिलाल संबाद 19 मैचेस, 24 विकेट, 220 के करीब रन। फिर उसके बाद प्रेम की अगर मैं बात करूं 7 मैचेस, 17 विकेट और उसके बाद 60 रन, अपनी टीम के लिए जो है इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे और बॉलिंग अटैक भी अपनी टीम के लिए यही ज़्यादा मतलब संभालने वाले हैं, ओपन करेंगे बॉलिंग में, ये तो पक्का रहेगा कि प्रेम ही ओपन करने वाले हैं बॉलिंग में। रवि संगनन की अगर मैं बात करूं 16 मैचेस, 60 रन, उसके बाद जो है 21 विकेट चटकाई हैं। फिर उसके बाद पीयूष कुमार जो हैं 124 रन अभी तक बनाए हैं, 15 विकेट चटकाई हैं पिछले 10 T20I मैचेस में। अब अगर यहाँ पर मैं दूसरी टीम की बात करूँ बोहेमियन सीसी के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आरिफ जावेद 49 रन, 350 विकेट और 350 रन बनाए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 60 विकेट इन्हें चटकाई हैं। जावेद इकबाल 32 मैचेस में 23 विकेट और 550 रन, रविंदर सिंह बिस्ट 23 मैचेस 205 रन और उसके बाद जो है 13 विकेट चटकाई हैं, मोहम्मद जुबैर 12 मैचेस 116 रन, अब्दुल फरहाद जो है 10 मैचेस में 14 विकेट इन्हें चटकाई हैं। फिर उसके बाद जो है शकीब मुख्तार हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, 10 मैचेस में 135 रन के साथ जो है इन्हें 7 विकेट चटकाई हैं। सौरभ खाखरिया की अगर हम बात करें 9 मैचेस 8 विकेट इन्हें चटकाई हैं। और वसीम सरदार की अगर हम बात करें तो पिछले 9 T20 मैचेस में जो हैं यहाँ पर इन्होंने 6 विकेट चटकाई हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा स्टैट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जावेद इकबाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, और उसके बाद जो है आर सिंह बिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। दोनों के दोनों प्लेयर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म अभी तक कर रहे हैं, रिसेंट की फॉर्म भी अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया इन दोनों की है। और यहाँ पर आरिफ जावेद, ये तीनों के तीनों प्लेयर ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।
तो यहाँ पर अभी हम जो है ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या रहने वाले हैं। और यहाँ पर आप सिलेक्शन भी देखिएगा प्लेयर्स ने कैसे करी है। एम जुबेर ज़्यादा प्लेयर्स ने पिक नहीं करा है, बिल्कुल सही करा है वैसे तो, क्योंकि एम जुबेर का जो है यहाँ पर बहुत नीचे आएंगे एक तो बैटिंग में, सुनील ग्रोवर और ए राय की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के दोनों प्लेयर जो हैं अपनी टीम के लिए तीसरे से चौथे नंबर पर आएंगे। सुनील ग्रोवर चांसेस हैं ओपन भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इससे नीचे तो नहीं आने वाले। और अगर ए राय जो हमारे पास हैं वो भी यहाँ पर मतलब चौथे तक आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों के दोनों विकेट कीपिंग ऑप्शन जो हैं बारबेरियन के बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस एलियन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, सिर्फ और सिर्फ 25% अभी तक जो है इनकी सिलेक्शन हुई है। फिर उसके बाद शकीब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं शकीब का ऑप्शन भी हमारे पास है, जेड महमूद का ऑप्शन हमारे पास रहेगा, पी कुमार हैं, पी कुमार अगर आप चाहें तो पिक कर सकते हैं अपनी टीम में, एस पोखरियाल हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद पी आर जगपात, ये जो प्लेयर है हमारे लिए ग्रैंड लीग का ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। ऑलराउंडिंग ऑप्शन जय इकबाल, आर सिंह, फिर उसके बाद जो है सी थाम भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रह सकते हैं हमारे लिए। फिर उसके बाद हर्षा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए हर्षा ने मतलब हर्षा के जैसे स्टैट्स हैं उसके हिसाब से तो प्लेयर्स ने पिक ही नहीं करा है, यहाँ तो स्टैट्स किसी ने बताया नहीं है वो कि इतने बढ़िया प्लेयर हैं। ऑलराउंडिंग ऑप्शन हमारे पास बहुत बढ़िया हैं, हिटर हमारे पास रहेंगे, यहाँ तो प्लेयर्स इन्हें पिक करना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या हिसाब किताब है वो मुझे समझ नहीं आया। बॉलिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो पी नागविदा हमारे पास है, आर रोंगता हमारे पास है, फिर उसके बाद अंशुतम हमारे पास है, फिर उसके बाद ए वकार हमारे पास है, डब्ल्यू उर रहमान हमारे पास रहेंगे, फिर उसके बाद जो है ए जावेद का ऑप्शन रहेगा। ए जावेद देखिए आप बहुत ज़्यादा टीम्स में आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद बी संबद हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ए जावेद की अभी जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 6% के हिसाब किताब है, जैसे जैसे टीम्स प्लेयर बनाएंगे वैसे वैसे देखिएगा ए जावेद का ऑप्शन बहुत ज़्यादा ऊपर आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरे के पूरे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अभी हम जो है यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं, पहली टीम एस पोखरियाल एज अ कप्तान, जे इकबाल एज अ वाइस कप्तान रखे हैं, एस ग्रोवर, ए राय, एस शकीब है, वाइस एलियन है, आर सिंह है, फिर उसके बाद हर्षा हमारे पास है, डब्ल्यू उल रहमान है, ए जावेद और आर रोंगटा हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो है टीम हमारे लिए हेड टू हेड के लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। हर्षा को मैंने स्मॉल लीग में लेके गया हूँ, इससे ऊपर जो मैच था वहाँ पर जो है जो UCC के यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के खिलाफ जो इनका मैच होने वाला है वहाँ पर जो मैंने वैसे तो सारी की सारी टीम में हर्षा को रखा है, एक स्मॉल लीग में भी रखा है, ग्रैंड लीग में भी रखा है, पर वहाँ पर जो है आप चाहें तो ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हैं पर यहाँ पर आप चाहें तो इसे स्मॉल लीग में लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मतलब एक गो थ्रू मिल जाएगा, क्योंकि ये टीम जो है बारबेरियन जो अपना पहला मैच खेल कर आ ही रही होगी। तो यहाँ पर अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कम्युनिटी टैब में। और अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये जो टीम है स्मॉल लीग के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। दूसरी टीम जे इकबाल एज अ कप्तान, वाइस कप्तान जो है सुनील ग्रोवर, साहिल ग्रोवर रखे हुए हैं, जेड महमूद हैं, वाइस एलियन है, एस पोखरियाल है, आर सिंह, सीथाम्बी, ए वकार, डब्ल्यू सरदार, ए अहमद और एन अंशुतम यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। तो ये जो टीम है हमारे लिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी स्मॉल ग्रैंड लीग में, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल ये टीम हमारे लिए रहने वाली है। तीसरी टीम की अगर हम बात करें तो जे इकबाल एज अ कप्तान रखे हुए हैं, सीथाम्बी एज अ वाइस कप्तान रखे हुए हैं, साहिल ग्रोवर हैं, जेड महमूद हैं, पी कुमार हैं, एस पोखरियाल हैं, ए फरहाड हैं, फिर उसके बाद जो ए वकार हैं, डब्ल्यू सरदार हैं, बी संबद और उसके बाद आर रोंगथान हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये जो टीम है हमारे लिए ये टीम ग्रैंड लीग ऑप्शन रहने वाली है, ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई हमें दिखेगी, सेफ कप्तान वाइस कप्तान है, थोड़े से जो है रिस्की ऑप्शन रखे हैं जैसे पी हमारे पास जो हो गए पी कुमार हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आर ए फराद भी हमारे पास थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे। अब अगर यहाँ पर मैं चौथी और आखिरी टीम की बात करूँ तो वाइस एलियन एज अ कप्तान, जे इकबाल एज अ वाइस कप्तान, एस ग्रोवर हैं, फिर उसके बाद शकीब हैं, पी आर जगताप हैं, फिर उसके बाद जो है पोखरियाल हैं, आर सिंह हैं, हर्षा हैं, ए वकार हैं, ए जावेद और एन अंशुतम हैं। तो ये जो टीम हमारे लिए बहुत ही बढ़िया ग्रैंड लीग का ऑप्शन रहेगी, एक दो ग्रैंड लीग की टीम, एक स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम और एक जो है स्मॉल लीग की टीम, हेड टू हेड की टीम मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। चारों की चारों टीम में से अगर किसी भी टीम में कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।